Thank you. वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक हमारी पृथ्वी पर लगभग 2500 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से 600 तो काफी ज्यादा जहरीली और खतरनाक हैं। इन 600 में से भी कुछ जैसे कोबरा ताइपान रसल ब्लैक माम्बा और वाइपर तो ऐसी हैं जिनके काटने पर इंसान की मौत निश्चित है अगर बात की जाए कोबरा की तो भारत में इन्हें नाग या नागराज के नाम से भी जाना जाता है जो की संसार का सबसे जहरीला सांप है इसकी लंबाई पाँच तक हो सकती है किंग कोबरा का जहर साइटोटोक्सिन और न्यूरो का मिश्रण होता है कोबरा सांप एक बाइट में सामान्यतः 400 से लेकर 600 मिलीग्राम तक जहर निकाल सकते हैं और एक व्यस्क इंसान को मारने के लिए तो किंग कोबरा का सात एम यानी लगभग एक बूंद जहर ही काफी है इनके काटने के बाद शरीर में तेज दर्द जलन चक्कर आना नॉर्मल सिम्टम्स है लेकिन अगर जहर ज्यादा तेजी ऐसी असर दिखाता है तो इंसान या तो पैरालाइज हो जाता है या कोमा में चला जाता है लेकिन अगर वास्तव में ऐसा होता तो फिर आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए जिसमे कोबरा का जहर पीने वाले सदगुरु पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ अगर ये सब देख आपका भी दिमाग चकरा गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्यूँकी हम आपको इस सवाल का जवाब समझाने वाले हैं इसे समझने से पहले सबसे पहले तो आप ये अच्छी तरह जान ले की सांप के जहर को वैनम कहा जाता है जो कि पॉइजन से बिल्कुल अलग होता है वैनम उस तरह से क्रिया नहीं करता जिस तरह से पॉइजन करता है दरअसल जब तक वैनम रक्त के संपर्क में नहीं आता इसका किसी भी प्रकार का असर इंसानी शरीर पर नहीं होता यानी सांप का जहर किसी इंसान के शरीर पर तभी असर करेगा जब यह उस इंसान के ब्लड में मिल जाए ऐसे में अगर कोई इंसान सांप के जहर को पी भी ले तो ये उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएगा क्यूँकी सांप के जहर में प्रोटीन होता है और प्रोटीन के पाचन के लिए हमारे आमाशय में काफी तरह के एंजाइम और अम्ल पाए जाते हैं जो की सांप के जहर को भी आसानी ऐसी पचा लेते हैं हालांकि जहर पीने वाले के मुंह आहार नाल और आंतों में किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो जहर सीधे ब्लड के संपर्क में आ जाएगा और उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी वहीं दूसरी ओर अगर सांप हमें काटता है तो उसका जहर सीधे तौर पर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है अब क्यूँकी हमारे ब्लड में ऐसे पाचक एंजाइम या अमल नहीं होते जो उस जहर को पचा सके इस कारण जहर हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है तो अब आप ये समझ चुके होंगे की किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप के जहर का असर सदगुरु पर क्यों नहीं हुआ लेकिन इस बात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसा करने की गलती से भी ट्राई करें क्योंकि यह आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है कोबरा तक तो चलो ठीक था लेकिन अगर गलती से आपका सामना ताइपन से हो गया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं क्योंकि ताइपन का जहर सामान्य सांपों की तुलना में 50 गुना तक ज्यादा खतरनाक होता है एक बार काटने पर ये सामने वाले व्यक्ति के शरीर में कम से कम 110 मिलीग्राम तक जहर छोड़ सकते हैं आप ये जानकर अचंबित हो जाएंगे की एक मिलीग्राम जहर सौ इंसानों और ढाई लाख चूहों को मारने के लिए काफी होता है खतरनाक सांपो की इस लिस्ट में हमने ईस्टर्न ब्राउन को भी शामिल किया है ये सांप इतना जहरीला होता है कि इसके जहर का चौदह हजारवा हिस्सा भी किसी इंसान की जान ले सकता है लेकिन ये एनिमल किंगडम है जनाब यहाँ को सवा शेर जरूर मिलता है और इन इन सांपों का भी भी एक ऐसा दुश्मन है जो इन सब पर भी भारी है और वो है हनी बेजर जो कि दुनिया के सबसे निडर जानवरों में से एक माना जाता है इसका नाम आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं हनी बेजर की एक खासियत है कि इनसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती लेकिन आमतौर पर ये सांप को ही अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं हनी बेजर जीव जगत का एकमात्र ऐसा जीव है जिस पर सांप के जहर का असर बिल्कुल नहीं होता और इसलिए ये सांपों को बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना लेता है अब यहाँ आपसे हमारा एक सवाल है कि आपने अक्सर मूवीज में सांप के काटने पर उसके जहर को चूस कर निकालते हुए देखा होगा लेकिन सांप के जहर को निकालने का क्या ये तरीका सेफ है सोचिए अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो चलिए हम बता देते हैं दरअसल 80 के दशक की यूएस आर्मी सर्वाइवल मैनुअल में बताया गया है कि सांप के काटने पर क्या करना चाहिए तो इसके लिए जिस जगह पर सांप ने काटा है उसे थोड़ा सा काट कर मुँह ऐसी चूंस कर जहर को बाहर निकाला जाना चाहिए लेकिन जहर चूस कर बाहर निकालने का ये काम एक घंटे के भीतर हो जाना चाहिए और डब्ल्यू यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही मानना है लेकिन इस तथ्य आरोप भी लगातार सवाल खड़े होते आए हैं क्यूँकी एक रिसर्च के अनुसार सांप के काटने के बाद दस ऐसी 15 सेकंड के अंदर ही उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है ऐसे में एक घंटे तक उस व्यक्ति के जिंदा बचे रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता हालांकि कुछ सांप ऐसे होते हैं जो या तो जहरीले नहीं होते या कम जहरीले होते हैं और इनके काटने पर हमारा शरीर इनके जहर के खिलाफ आसानी से एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है और समय पर इलाज ना भी मिले तो भी हमें इनके जहर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता तो इस सिचुएशन में तो एक घंटे तक जिंदा रहने का ये फैक्ट कारगर साबित हो सकता है और अगर रिकॉर्ड देखे जाए तो भी ऐसे सांपों के काटने के बाद 90 परसेंट केसेज में मौत का कारण जहर नहीं बल्कि हार्ट अटैक होता है क्योंकि सांप को देखने के बाद हम डर जाते हैं ऐसे में डर के कारण हार्ट अटैक आने की पूरी संभावना होती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है इवन आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि डर का नाम ही भूत है भैया लेकिन चलिए अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो सांपों से डरना तो दूर बल्कि उनके जहर के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहता है तो ये जनाब है लंदन में रहने वाले स्टीव लुडविन जो की पेसे से एक म्यूजिशियन है इनका पहला शौक तो म्यूजिक है वही दूसरा सांपो के साथ समय बिताना ये भाई साहब सांपो के कुछ इस कदर दीवाने हैं कि सांपों को करीब से समझने के लिए इन्होंने खुद पर एक जानलेवा प्रयोग किया दरअसल 30 साल तक लगातार ये रोज सांप का जहर निकालते और उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते थे लेकिन ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है की सांप के जहर का उनकी बॉडी आरोप कोई गलत इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ तक की कोबरा और ब्लैक मामा जैसे सांपो के जहर ने भी इनकी बॉडी आरोप कोई असर नहीं दिखाया साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसके पीछे की वजह ये है की स्टीव लगातार कई वर्षो ऐसी जहर के छोटे छोटे डोज लेते आ रहे थे शायद इसी वजह से अब किसी भी सांप का जहर उन पर असर नहीं करता लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि सांप के जहर की नॉर्मल डोज उन पर कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल पाई थी ऐसे में एक बात तो साफ थी कि उनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल लोगों की तुलना में काफी मजबूत था और लगातार सांप के जहर लेने से उनके शरीर में मौजूद जहर ने बाहर से आने वाले दूसरे जहर के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया था ऐसे में कोबरा और ब्लैक माम्बा जैसे सांपों के जहर का भी स्टीव की बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा था हालांकि ये सब करते वक्त उनके साथ एक बार एक बड़ा हादसा भी हुआ जब जहर का ओवरडोज लेने के कारण उन्हें तीन दिन तक आईसीयू में भर्ती रहना पड़ा था हालांकि स्टीव खुशकिस्मत थे कि इसके बाद भी वो जिंदा बच गई आपको बता दें कि डेनमार्क की देंगन यूनिवर्सिटी स्टीव पर एक रिसर्च भी कर रही है ताकि उनके शरीर की एंटीबॉडी की मदद ऐसी सांप के जहर के खिलाफ कारगर दवाई बनाई जा सके अगर ये शोध सफल रहा तो ये पहला मौका होगा जब इंसान के शरीर ऐसी जहर की दवा यानी एंटीवेनम बनाया जाएगा फिलहाल सांप के जहर के एंटीवेनम के लिए सांप के जहर का ही इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए सबसे पहले सांप के जहर की एक डोज घोड़ों को दी जाती है और घोड़ों के शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी एजेंट्स को निकाल कर सुरक्षित रख लिया जाता है और उस एंटीबॉडी एजेंट्स को एंटी स्नेक वेनम के रूप में यूज लिया जाता है हालांकि कई बार इस प्रक्रिया में घोड़ों की मौत भी हो जाती है तो अब तो आप लोग ये समझ ही चुके होंगे कि सांप के नजदीक जाने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं तो हमारी तो यही सलाह है कि आप सांपों से उचित दूरी बनाकर रखें और जिस जगह सांपों की अच्छी खासी संख्या पाई जाती है वहां तो निश्चित तौर पर जाने से बचें। जैसे कि ब्राजील के साउ पाउलो में स्थित स्नेक आईलैंड जिसकी एक झलक हम आपको खतरनाक आईलैंड वाले वीडियो में भी दे चुके हैं इस आईलैंड आरोप पाए जाने वाले सांपो में ऐसी वाइपर प्रजाति के सांपो का जहर तो इतना खतरनाक होता है की ये इंसान के मांस तक को भी गला सकता है तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस आइलैंड पर जाने के बाद किसी इंसान का क्या असर होगा इस आइलैंड के साथ एक बेहद डरावनी घटना भी जुड़ी हुई है कहा जाता है कि इस आइलैंड पर बने लाइट हाउस के एक लाइट कीपर को सांपों ने जिंदा नहीं छोड़ा था दरअसल एक रात काफी ज्यादा संख्या में सांप लाइट कीपर के रूम में घुस गए थे और उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया था इस घटना के बाद उस लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया गया था और अब ब्राजीलियन नेवी के द्वारा यहाँ आम इंसानों के आने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है तो भाई अंत में हम तो यही कहना कि अगर आपका सामना भी कभी किसी सांप से हो तो उससे एक प्रॉपर गैप मेंटेन करके जरूर रखें क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे को जन्म दे सकती है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ